लॉकडाउन है, दुकान भी बंद है, मगर फैमिली में बर्थडे तो होगा ही। बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं कर सकते, मगर केक तो कट कर ही सकते हैं। तो आज मैं आपको बिना झंझट और कम मेहनत में एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक बताऊंगी। और इसके लिए ना हमें ओवन की ज़रूरत है, ना कुकर की और ना ही कढ़ाई की। और अगर आपके पास केक मोल्ड भी नहीं है तो भी आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है। नॉर्मली इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता है और मेहनत भी लगती है। बिना कोई झंझट मेहनत के झटपट बनने वाला इसका बैटर है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी ली है, ये साबुत चीनी है। साथ ही में हम आधा कप दही डालेंगे। इसमें हमें गाढ़े दही का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मैंने एक कप सूजी यानी कि रवा लिया है। इस रेसिपी के लिए सूजी अगर मोटी है पतली है तो भी चलेगा, क्योंकि आखिर में हम इसे ग्राइंड करके लेने वाले हैं। तो अगर सूजी मोटी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी में हम 3/4 कप दूध डालेंगे। ये कच्चा दूध नहीं है, ये नॉर्मल दूध है। दूध को मैंने गर्म करके ठंडा करके लिया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड करके ले लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये हमारा केक का बेसिक घोल बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें बिना चम्मच डाले इसे ऐसे ही मिक्सी के जार में ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, जिससे कि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। 20 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि बैटर हल्का सा गाढ़ा हो गया है और सूजी भी अच्छे से फूल कर इसमें घुल गई है। तो चलिए अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट मिलाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर है। इसे केक जो है हमारा स्पंजी और सॉफ्ट बनेगा। साथ ही में 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, इससे हमारा जो केक है अच्छे से फूलेगा। 1/2 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे फ्लेवर के लिए। 1 बड़ा चम्मच विनेगर डालेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। साथ ही में हम 1/4 कप यहाँ पे तेल डालेंगे। तेल से हमारे केक को शाइन मिलेगा और केक का बैटर स्मूथ बनेगा। साथ ही में मेरे पास 1/4 कप चोको चिप्स है। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो आप यहाँ पे टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास टूटी फ्रूटी भी नहीं है तो आप नॉर्मल जो भी आपके पास नट्स होंगे यानी कि आलमंड, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी होगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसे स्किप करें यानी कि आप इसे ना डालें। आप चाहो तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं। अब हम फिर से एक बार इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें, हमारा मिक्सचर बिल्कुल बनकर रेडी है। चोको चिप्स डालने की वजह से इसमें आपको हल्के हल्के बारीक बारीक दाने नज़र आ रहे हैं। ये बैटर बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी है। तो चले अगले प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह का एक छोटा सा पतीला लिया है जिसमें मैं केक बनाने वाली हूँ। आप कुकर का बर्तन ले सकते हैं, आपके पास जो बर्तन अवेलेबल है आप उसमें इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे घी से ग्रीस कर रही हूँ, आप इसे बटर या फिर तेल से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब हम इसे हल्का सा टैप कर लेते हैं जिससे कि इसके अंदर जो भी एयर बबल से वो निकल जाए। ध्यान रहे कि पतीले को हमें पूरी तरह से नहीं भरना है, क्योंकि केक जब बनेगा तब ये थोड़ा सा फूलेगा। तो यहाँ पर मैंने आधी जगह खाली रखी है। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बेक करना बताने वाली हूँ। ना हम इसे कुकर में बेक करेंगे, ना हम कढ़ाई में बेक करेंगे, ना हम इसे ओवन में बेक करेंगे। तो सिंपल तरीका ये है कि घर में सबके पास ये तवा रहता है जिस पे हम रोटी सेकते हैं, और हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए अच्छा गर्म होने देते हैं। तवा काफ़ी गर्म हो चुका है तो अब हम इस पतीले को तवे पर रख देते हैं। इसमें हमें कोई नमक नहीं डालना है, ना कि वालू डालना है, कोई चीज़ की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद भी केक एकदम परफेक्ट बनने वाला है। तो अब हम इस पतीले के ऊपर कांच का ढक्कन रख देंगे जिससे कि स्टीम जो है वो बाहर ना जाए।
इसे हम धीमी आंच पे 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे। इसके पहले हम बिल्कुल भी ढक्कन को हटाएंगे नहीं। अगर बीच में आपने ढक्कन को हटा के चेक करने की कोशिश की तो ये केक जो है आपका फूलेगा नहीं, इसके अंदर की स्टीम निकल जाएगी और केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि मेरी तरह ही कांच का ढक्कन लगाएं, जिससे कि आपको नज़र आए कि केक हमारा कैसे बन रहा है। अगर आपके पास ओवन है और आप इसे ओवन में बनाना चाहते हो, टाइम और बचाना चाहते हो, तो आप इसे 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए केक को बेक करें। 45 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कांच के अंदर से हमें केक फुला हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कितना प्यारा कॉफ़ी कलर इसके ऊपर आ गया है। इसमें हमने चॉकलेट चिप्स डाले थे जिसकी वजह से इसको एक चॉकलेटी फ्लेवर मिल गया है। तो अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कि केक जो है किनारों से हल्का हल्का छूटने लगा है। तो अब हम छुरी से इसके एजेस को छुड़ा लेते हैं। ये देखिए केक एकदम परफेक्ट बना हुआ है, परफेक्ट जालीदार बना हुआ है। इसमें मैंने चोको चिप्स डाले थे इसके लिए इसका जो कलर है वो चॉकलेट कलर का हो गया है। बट अगर आप इसमें चोको चिप्स नहीं डाल रहे हो तो आपका केक जो है ऑफ वाइट कलर में बनेगा। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है, खाने में तो ज़बरदस्त है। और घर में अगर किसी का बर्थडे है तो उन्हें नाराज ना करें, इस तरह से आसानी से केक बनाकर इसका मजा लें। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें पुराने और बड़े साइज के आलू की जरूरत पड़ेगी। इस तरह के आलू हम लेंगे। मैंने इसे अच्छे से धोकर लिया है और ऊपर की गंदगी निकाल ली है। अब इसे हम छील लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 आलू लिए हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से आलू की क्वांटिटी जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हो, पर याद रहे आलू जो है हमें पुराने और मोटे ही लेने हैं। आप अपने सब्जी वाले से पूछकर पुराने आलू ले सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे आलू को छीलकर रेडी कर लिया है। अब इसे जो है हमें काटना है। सबसे पहले हम इसका इस तरह से बॉटम काट लेंगे और इसे इस तरह से रखकर इसके ऐसे पीसेस कर लेंगे। हमें इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटने हैं। इस तरह से हम एक पार्ट के 2 टुकड़े कर लेंगे और इतने ही लंबे और मोटे पीसेस कर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आलू काटने के लिए छुरी का इस्तेमाल किया है, पर आप चाहो तो इसे फ्रेंच फ्राइज कटर से भी काट सकते हो। हमारे सारे आलू काट कर रेडी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लंबे स्ट्रिप्स काटकर मैंने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है। अब हमारे सारे कटे हुए फ्रेंच फ्राइज को हम इसमें 5 मिनट के लिए सोक करके रखेंगे, इससे कि आलू जो है वो काले नहीं पड़ेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसे अब हम पानी से निकाल लेते हैं। इसका पूरा पानी हमें सुखाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे किचन टॉवल लिया है। इसे हम इस तरह से फैला देंगे, ऊपर आलू को हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और हल्के हाथों से हम सारा पानी इसका पोंछ देंगे। ये करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि हमारे जो फ्रेंच फ्राइज के जो स्ट्रिप्स हैं वो टूटे नहीं, और कम्प्लीटली हम सारे फ्रेंच फ्राइज को जो है पूरा ट्राई कर लेंगे। अब इसे जो है प्लेट में निकाल लेते हैं। इस फ्रेंच फ्राइज को हमें तेल में फ्राई करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया है और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। थोड़े थोड़े बैचेस में हम फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई कर लेंगे। इसे हमें 1 मिनट ही फ्राई करना है, उससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। हमें सिर्फ फ्रेंच फ्राइज को जो है ब्लांच करके लेना है आलू को। 1 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम टिश्यू पेपर पे फैला देते हैं। इसी तरह से हम सारे आलूओं को डीप फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने फ्रेंच फ्राइज को ऐसे टिश्यू पे फैला के रखा है। किचन टॉवल लेंगे और ऊपर से हम फ्रेंच फ्राइज के ऊपर का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे भी हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से आप टॉवल से इसके ऊपर से ऐसे प्रेस करके सारा ऑयल निकाल दीजिएगा। फ्रेंच फ्राइज को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। ऊपर से हम कॉर्नफ्लोर जो है अच्छे से छिड़केंगे और सबको ऊपर से कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से हमें रब करके लेना है। अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर जो है उसकी कोटिंग हो जानी चाहिए आलू पे।
इसे जो है हमें फ्रीजर में कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रीज करने के लिए रखना है, या फिर आप चाहो तो इसे एयर टाइट कंटेनर या फिर जीप लॉक पॉलिथीन में रख कर प्रिजर्व कर सकते हो, और जब दिल चाहे आप इसे निकाल कर तेल में डीप फ्राई करके खा सकते हो। आप देख सकते हो अच्छे से मैंने कोट कर लिया है। अभी हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रख लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है, अब इसे जो है दोबारा फ्राई करेंगे। इधर मैंने तेल अच्छे से गरम कर लिया है। याद रहे कि तेल हमारा जो है अच्छा गरम होना चाहिए। अब इसमें हम फ्रेंच फ्राइज को थोड़े थोड़े बैचेस में डालकर इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक या फिर क्रिस्पी होने तक इसे हम डीप फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और ये दिखने में भी क्रिस्पी हो गए हैं। परफेक्ट मैकडोनल्ड स्टाइल फ्रेंच फ्राइज लग रहे हैं। अब इसे जो है हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारे फ्रेंच फ्राइज बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज को दोबारा डीप फ्राई करके ले लिया है, पर अब इसकी सीजनिंग नहीं हुई है। इसके लिए हम ऊपर से नमक छिड़केंगे और इसे टॉस कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।